ड्राइवर का निग्लिजेंस है और निग्लिजेंस की वजह से डेथ हुई है, तो आईपीसी 304 निग्लिजेंस और डेथ की वजह से उनके ऊपर हम मांग करेंगे। किधर भी निशान नहीं है, किधर भी दर्द नहीं, किधर भी सूजन नहीं है, लेकिन डॉक्टर लोग ये बता रहे हैं, अभी नया स्टोरी बना है कि उसको सांप ने काटा था, दो दिन के बाद उसको अनकॉन्शियस हो गया और उसको चार दिन के बाद डेथ हो गई। तो उसके जांच में तीसरे दिन उनको मालूम पड़ा कि स्नेक बाइट हुआ है, ना स्नेक बाइट की कोई निशान है, ना कुछ एविडेंस है, ना कोई सांप घर पे मिला, ना उनके एरिया में था। नमस्कार, मैं आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा भाईंदर के भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में। जैसा कि आप सब मेरे पीछे देख सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में भीड़ लगी हुई है, मनसे के कार्यकर्ता आ चुके हैं, यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं और ये हंगामा करने की वजह है 5 साल के बच्चे की मृत्यु। 5 साल का बच्चा यहाँ पे कुछ दिनों पहले आया था सिर्फ पेट दर्द की समस्या लेके, लेकिन डॉक्टर ने उसे 2 इंजेक्शन दिए और ऐसा कहीं पे कोई भी हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, वो राइट्स रहते हैं कि कौन से प्रिकॉशंस और मेडिकेशन वो बच्चे को दे रहे हैं वो माता पिता को बताना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल में किसी भी तरीके के प्रिकॉशन और दवाई का नाम माता पिता को नहीं बताया गया। जैसे ही बच्चा घर पे जाता है अनकॉन्शियस हो जाता है और बेहोश हो जाता है, फिर उसके बाद माता पिता उसे इस हॉस्पिटल में लेके आते हैं और कुछ समय बाद उसकी जब इलाज होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर को मार दिया और सब सिस्टर को मार दिया, बाद में बोला है 2 इंजेक्शन लगाया वो बोल दिया, बाद में वापिस घर पे लेके गया ना, अभी वैसा ही 15-20 मिनट में घर बच्चा बेहोश हो गया। तो आपका कहना है कि यहाँ के इलाज की वजह से बच्चे के, हाँ, मीरा भाईंदर का सबसे भ्रष्ट हॉस्पिटल ये भक्ति वेदांता है, चाहे वो कोरोना समय हो या अभी के आम दिन। एक हर्ष नाम का लड़का, हर्ष माची नाम का, 5 साल का, 4 दिन पहले पेट दुखी से इधर आया था एडमिट होने के लिए, उसको 2 इंजेक्शन दिए गए, कौन से कुछ पता नहीं, उसके बाद उनको घर पे छोड़ा गया, उनकी कंडीशन इतनी सीरियस हुई कि वो सांस भी ले ना पाए, आज का दिन उसको मृत घोषित कर दिया। ये मनसे ने करवाया है क्या? क्या मनसे ने कराया है? ये हम न्याय देने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये इधर मीरा भाईंदर में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल है जहाँ पे मनसे न्याय दिलाती है आम जनता को। आज ऐसा हुआ कि एक गरीब फैमिली है, उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती, तो वो लड़के ने 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया, उसके बाद हमें भी उनका तकरार आया, तो हम मनसे वाले सब यहाँ पे आए आज। अगली रणनीति क्या होगी अगर ये बच्चे के साथ गलत हुआ है तो मनसे क्या क्या करेगी उसे न्याय दिलाने के लिए? देखो, मनसे पहली बात कायदा हाथ में लेती है, जो लीगल प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है पुलिस स्टेशन का, वहाँ पे पहला FIR जाएगी, एरिया रिपोर्ट होगा, उसके बाद में जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट्स जांच करने के बाद में FIR दाखिल होगी। इसमें डॉक्टर का निग्लिजेंस है और निग्लिजेंस की वजह से डेथ हुई है, तो IPC 304 निग्लिजेंस और डेथ की वजह से उनके ऊपर हम मांग करेंगे। 5 साल का बच्चा है, उसको परसों एडमिट किया था, परसों एडमिट करने के 1 घंटे के बाद छोड़ा उसको, वो वापस लेके आए, ज्यादा तबियत खराब होने के बाद वापस लेके आए, वापस लेके आने के बाद डॉक्टर का कहना है 2 दिन के बाद कि उसको सांप ने काटा है, सांप ने काटा है तो कोई डॉक्टर की पदवी नहीं है, वो डॉक्टर ने उसके ऊपर इलाज किया, वो इलाज करने के बाद वो अनकॉन्शियस हुआ और वेंटिलेटर पे डाला और आज सुबह उसकी डेथ हुई, उसके लिए लोग भड़के हुए हैं। कुछ भी निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बता भी नहीं रहे, खाली उनको बताना यही बता रहे कि उनको सांप ने काटा है। किधर भी निशान नहीं है, किधर भी दर्द नहीं, किधर भी सूजन नहीं है, लेकिन डॉक्टर लोग ये बता रहे, अभी नया स्टोरी बना है कि उसको सांप ने काटा था, 2 दिन के बाद उसको अनकॉन्शियस हो गया और उसको 4 दिन के बाद डेथ हो गई। पुलिस अधिकारी ने एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाया है पूरी ये क्राउड को, आइए नजर डालते हैं इस पूरी स्टेटमेंट पर। परंतु त्याला फरक पडत नसे, मी त्यास संजीवनी हॉस्पिटल येथे पहाटे 4 वाजता घेऊन गेलो,
तेथील डॉक्टरांनी मुलगा हसेल यास चेक करून भक्तिविलास हॉस्पिटल उमेदवार रोड येथे घेऊन जाण्यास सांगितले. त्यानंतर आम्ही पहाटे 4:30 सुमारास भक्तिविलास हॉस्पिटल येथे घेऊन आलो. त्यावेळी तेथील डॉक्टरांनी मुलगा हसेल यास तपासून 2 इंजेक्शन दिले व औषध लिहून दिले. त्यानंतर मी 6:00 सुमारास मला डॉक्टरांनी मुलगा हसेल यास घरी घेऊन जाण्यास सांगितले. मी मुलगा हर्षद यास घरी घेऊन आलो, परंतु तो बेशुद्ध झाल्याने पुन्हा त्या 6:30 भक्तिविलास हॉस्पिटल येथे घेऊन आलो. त्यावेळी मुलगा हर्षद यास डॉक्टरांनी ऍडमिट करून घेतले व औषध सुरू केले. आता आजची तारीख आहे, आज दिनांक 27/5/2022 रोजी सकाळी 7:00 भक्तिविलास हॉस्पिटलला हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी मुलगा हर्षद यास मयत झाल्याचे सांगितले. त्यावेळी मी डॉक्टरांना मयत कशामुळे झाला याबाबत विचारणा केली असता डॉक्टरांनी त्यास साप चावल्याने त्याचा मृत्यू झाला असावा असे सांगितले. तरी माझा मयत मुलगा हर्षद वय 4 वर्ष याचे मरणाची चौकशी होण्यास विनंती. जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट पढ़ा गया, उसको ऐसा कहा जा रहा है कि वो स्टेटमेंट को FIR में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इतनी जो क्राउड मौजूद है उसको शांत करने के लिए सिर्फ एक आश्वासन तो नहीं. मैडम, हम सुबह यहाँ पे 11 बजे से हैं, एक बच्चे की मौत हुई है, उसका दुख तो हमें जरूर है, पर ये हॉस्पिटल प्रशासन जो है उनके निग्लिजेंस के वजह से उसकी डेथ हुई है, ये प्रूव करना है डॉक्यूमेंटेशन के साथ. उन्होंने जो डेथ समरी दी है उसमें ऐसा लिखा है कि एक डॉक्टर है जो स्नेक स्पेशलिस्ट है और उनके अंडर सब ये उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी. पर अखे इंडिया में तो मेरे जानकारी के हिसाब से कोई भी ऐसी स्नेक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की डिग्री नहीं है. और मैं आपको एक बात और पूछना चाहूंगी, जैसे कि इन्होंने बताया कि स्नेक बाइट थी, बट अगर सांप काटता है तो महज 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे के अंदर बच्चा मर सकता था, लेकिन 5 दिन के बाद वो बच्चा मरा है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैडम, पहली बात तो जब वहाँ पे एडमिट हुए थे फर्स्ट दिन सुबह 4:30 बजे, तब उन्हें बताया कि उनको पेट दुख रहा है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट दी थी उनको, 2 इंजेक्शन दिए थे. उसके बाद में जब उनको डिस्चार्ज किया आधे घंटे में, केवल बच्चा बहुत ऐसा कर रहा था फिर भी डिस्चार्ज दिया उनको. उसके बाद जब वो घर जा रहे थे तब उनको वहाँ पे उल्टी हुई, वॉमिटिंग हुआ, उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम में उनको तकलीफ हो रही थी सांस लेने के लिए, तब उनको वापस लाया गया. तो उसके जांच में 3rd दिन उनको मालूम पड़ा कि स्नेक बाइट हुआ है. ना स्नेक बाइट की कोई निशान है, ना कुछ एविडेंस है, ना कोई सांप घर पे मिला, ना उनके एरिया में था. तो जैसा कि आप सबने सुना क्या था उस स्टेटमेंट में, और पुलिस इंस्पेक्टर ने ऐसा दावा किया है कि अगर कोई भी गलत है इसमें तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और ऐसा भी कहा जा रहा है इस स्टेटमेंट को FIR में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जैसा कि आप सबने देखा, तमाम यहाँ के लोग जो मौजूद है उन्होंने गवाही देते हुए ये बताया कि बच्चे के पेट में दर्द था, लेकिन डॉक्टरों ने ये उसका कारण बताया कि उसको सांप ने काटा था. अब देखना ये है, मनसे के कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने भी न्याय की मांग की है. अब देखना ये है कि उनको क्या न्याय मिलता है पुलिस प्रशासन से और सरकार से. सुन सकते हैं मेरे पीछे के बैकग्राउंड की आवाज, लोग यहाँ पे न्याय की मांग में धरने पर बैठ गए हैं. किस तरीके की न्याय और इंसाफ उस 5 साल के वर्ष बच्चे की जिसकी मृत्यु हो गई है उनके माता पिता को कैसे मिलती है? इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे आने इतना पुतार के साथ न्यूज़ मुंबई.